आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। रविवार की शाम उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व खेल मंत्री चेतन चौहान का गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में इलाज के दौरान निधन हो गया। चेतन चौहान के आकस्मिक निधन से खेल जगत में शोक का माहौल है। क्षेत्रीय खेलकूद विभाग की तरफ से क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी सुनील चंद जोशी ने खेल विभाग की तरफ से दिवंगत आत्मा शांति की प्रभु से कामना की। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी सुनील चंद जोशी ने बताया कि 70 के दशक में चेतन चौहान सुनील गावस्कर के साथ मैच में ओपनिंग बैटिंग के लिए उतरे थे। वह एक कुशल राजनेता के साथ साथ एक अच्छे व्यक्ति थे। ये वास्तव में क्षति बहुत बड़ी क्षति है, न बल्कि प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। पूर्व में हमारे खेल मंत्री रहे, वर्तमान में होमगार्ड मंत्री दिवंगत श्री चेतन चौहान जी की आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। 70 के दशक के बहुत सफल क्रिकेटर, बहुत लोकप्रिय क्रिकेटर भारतीय टीम के रहे, जिन्होंने विश्व में सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी गावस्कर और चेतन चौहान जी के नाम से जो जानी जाती थी, बहुत महान महान पारियां खेली। ये दर्शाता था कि महान खिलाड़ी का पेशेंस टेम्परामेंट कैसा होता है। अंत में एक बार पुनः मैं क्षेत्रीय खेल कार्यालय आगरा की तरफ से, के परिवार की तरफ से, मैं इस दुख की घड़ी में ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उत्तर प्रदेश सरकार में बतौर खेल मंत्री होने के दौरान उन्होंने खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए काफी कार्य किया। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।